सब्सक्राइब करिए माय चैनल माय एकेडमी और साथ ही बेल आइकन को दबाइए नए वीडियो के अपडेट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। टुडे आई डिस्कस इज एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपीपीसीएस 2017 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है अभी सितंबर में हो गया है। तो जिन लोगों का हो गया है वो तो चलो ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो 2018 में को फोकस कर रहे होंगे। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये पैटर्न देखने के लिए मैंने वीडियो अपलोड की है कि जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या सब्जेक्ट होगा जो लोग नए हैं उनके लिए। इसमें जो है दो पेपर होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, दो पेपर होगा। एक होगा सीसेट पेपर, जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि 80 नंबर का होगा। और दूसरा होगा जनरल स्टडीज़ का, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो और साथ ही जो है ये पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। और इस बार से जो है इस एग्ज़ाम में 1/4 मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग हो गए हैं, यानी आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपका सही नंबर में से आपको 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे सी सेट का जो है टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे और इसके मार्क्स होंगे 200 नंबर का होगा ये, और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 मार्क्स के होंगे और ये 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद हम देखें तो जनरल स्टडीज़ का, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये 200 नंबर का होगा 100 क्वेश्चन, और ये इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा और ये टोटल 2 घंटे का पेपर होगा। तो और जैसा कि अभी मैंने इसका एक वीडियो इसके पहले अपलोड कर दिया है कि इसका एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होगा। जनवरी में फॉर्म आ जाएगा और एडमिट कार्ड जो है अप्रैल तक आ जाएगा, और एग्ज़ाम जो होगा वो जून तक होने के चांसेस होंगे। तो अभी टाइम नहीं है, टोटल 7 महीने रह गए हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को फोकस करिए। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।